रुक कर लेते हैं बलरामपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। INS 24/7 की खबर का असर हुआ है। चौथी कक्षा के छात्र के साथ शिक्षक की क्रूरता मामले में JD ने की कार्रवाई। छात्र के साथ क्रूरता करने के मामले में शिक्षक को मिली सजा। शिक्षक लक्ष्मीनाथ गोसाई को किया गया निलंबित। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र के कान को खींचकर शिक्षक ने किया था जख्मी। बड़ी खबर बलरामपुर से देख पा रहे हैं, जहां पर शिक्षक के साथ क्रूरता के मामले में कार्रवाई हो गई है, जहां पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें INS 24/7 की खबर का असर यहां पर हुआ है। शिक्षक की क्रूरता हुई थी, उसने एक बच्चे के कान को खींचकर जख्मी कर दिया था, जिसको INS 24/7 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिस पर अब INS 24/7 की खबर का असर हुआ है। शिक्षक लक्ष्मीनाथ गोसाई को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, बलरामपुर से आ रही है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र के कान को खींचकर जख्मी कर दिया गया था। INS 24/7 की खबर का यहां पर असर हुआ है। आपको बता दें शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप, INS 24/7 ने इस खबर को बेहद ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जहां एक बच्चे के कान को खींचकर जख्मी कर दिया गया था। शिक्षक की क्रूरता यहां सामने आई थी, अब शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें INS 24/7 की खबर का यहां पर असर देखने को मिला है। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर INS 24/7 की खबर का असर आप देख पा रहे हैं। शिक्षक की क्रूरता पर यहां पर कार्रवाई की गई है और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता घनश्याम सोनी। घनश्याम, यहाँ पर INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है, कार्यवाही कर दी गई है शिक्षक के खिलाफ, और कुछ क्या अपडेट है? देखिए, इसमें अपडेट ये है कि JD ने कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में शिक्षक ने क्रूरता दिखाई थी, एक बच्चे का कान खींचा था, जिसके बाद बच्चे के कान में जख्म आ गए थे। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लिया और रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने JD कार्यालय को भेजा, जिसके बाद JD ने मामले में तत्काल संज्ञान लिया है और शिक्षक ने जो क्रूरता की है उसकी सजा उन्हें मिली है, निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल निलंबित करने के बाद इस पर अभी जांच किया जाएगा कि आखिर शिक्षक ने ऐसा क्यों किया। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों के साथ यदि इस तरह की क्रूरता की खबरें सामने आती है, क्रूरता की तस्वीरें सामने आती है, तो निश्चित तौर पर अभिभावकों का बच्चों को यदि वो स्कूल जाते तो उनके भय बन जाता है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद निश्चित तौर शिक्षा विभाग के शिक्षक जो इस तरह की क्रूरता को अपनाते होंगे उनमें भय होगा, अभी कार्रवाई कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर INS 24/7 की खबर का असर हुआ है और क्रूरता करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। INS 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। आपको बता दें एक शिक्षक ने छात्र के कान को खींचकर जख्मी कर दिया था, जिसके कारण अब शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आप बलरामपुर से देख पा रहे हैं।